दोस्तों, ऐसे समय में जब MPPSC प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, ऐसी स्थिति में महावीर और पुड़ेकर ने जो कुछ चार्ट निकाले हैं जिसमें MP की सामग्री जो है बहुत बहुतायत में दी गई है, जिससे आपके MP की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और MP से रिलेटेड समस्त चीज़ें जो हैं वो कम समय जो है समय में पूरी की जा सकती हैं। तो आइए इन सभी चार्टों पर एक एक करके हम 5-6 वीडियो बनाएंगे, और उसी कड़ी में पहला वीडियो जो है ये मध्य प्रदेश के 52 जिलों पर आधारित चार्ट है। तो आइए शुरू करें ताकि सारी चीज़ें हमें जल्दी से जल्दी कवर हो सकें। तो सबसे पहले हम देखें इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में सबसे पहले आता है इंदौर ज़िला। इंदौर ज़िला जो है, इसकी खास विशेषताएं हम जस्ट मेन विशेषताएं देखेंगे, जो खास खास चीज़ें हैं जिसकी परीक्षा में आने की संभावना अधिक है या पूर्व की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर, जो इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसी नाते से मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यहाँ पर मौसम की वेधशाला स्थित है। साथ ही याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है मध्य प्रदेश का, लगभग 32 लाख से अधिक जनसंख्या है यहाँ, और जनसंख्या वृद्धि दर मतलब ग्रोथ रेट भी मैक्सिमम रही है 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 32.88 ग्रोथ रेट रही है यहाँ, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक है। मिनिमम ग्रोथ रेट की जब हम बात करेंगे तो अनूपपुर ज़िले की मिलेगी हमको, जो 12.6 है। साथ ही इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ IIM और IIT, IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों शहर मतलब दोनों चीज़ें एक ही शहर में स्थित हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान यहीं पर है, लेकिन याद रखिएगा सोयाबीन का संयंत्र पूछेगा तब जो है वो सबसे बड़ा वाला उज्जैन में है, और अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो इंदौर में। एक चीज़ और, कैट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, जिसका नाम पूरा नाम क्या है, डॉक्टर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी इंदौर में है, जहाँ लेज़र संबंधी अनुसंधान होता है। फिर यहीं पर है डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू, इंदौर के पास में ही है महू। तो महू का एक विशेष नाम है, जो महू नाम पड़ा है वो एक्चुअल में MHA किसी ज़माने में मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। MHOW है, MHOW मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, इसलिए इसका नाम महू पड़ा, और डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे भी इसका नाम हो गया वर्तमान में। इंदौर में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जैनों का, गोम्मट गिरी। फिर हम खास खास चीज़ें देख रहे हैं, कुछ जो कचरा टाइप की चीज़ें उनको हम छोड़ते जाएंगे। इंदौर में MPPSC का ऑफिस है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही इंदौर में वित्त आयोग का हेडक्वार्टर है। इंदौर में एक जगह है हिंगोट, वहाँ पर दीपावली के समय गौतमपुरा इंदौर के क्षेत्र में है, वहाँ पे हिंगोट का मेला लगता है, तो ये एक आध बार पूछा गया है, याद रखना चाहिए। अब इंदौर संभाग का ही अगला जिला है पश्चिमी निमाड़, जिसको हम खरगोन बोलते हैं। खरगोन की क्या खासियत है, सफ़ेद सोना, जिसको हम कपास बोलते हैं ना, कपास को हम बोलते हैं सुनहरा सोना, सफ़ेद सोना, तो कपास उत्पादक जिला है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पूरे निमाड़ में जो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर है, वो ब्लैक काटन सॉइल पाई जाती है, और पूरा निमाड़ क्षेत्र जो है चारों ज़िले कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए सुनहरे ज़िले कहलाते हैं। फिर यहाँ पर सर्वाधिक हाइड्रेन जलपंप हैं। हाइड्रेन जलपंप एक्चुअल में क्या है, बिना बिजली के जो पानी जो है खेतों में पहुँचाने वाली व्यवस्था है, किसी हिली थोड़ा ऊपर स्थित स्थान से। तो हाइड्रेन जो जल पंप है सबसे ज़्यादा MP में कहाँ है, खरगोन में। मराठा जो है पेशवा बाजीराव, उनकी समाधि भी खरगोन में है, रावर खेड़ी में। फिर देश का पहला मोबाइल बैंक, जो चलता फिरता बैंक है, जिसको लक्ष्मी बैंक के नाम से जाना गया था, वो भी खरगोन में है। खरगोन में जो जगह है महेश्वर, वो अहिल्याबाई से संबंधित है, याद रखिएगा, और महेश्वर का ही पुराना नाम है प्राचीन काल में महिष्मति, ये हय्य वंश के राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी होती थी, ये मध्य प्रदेश के इतिहास का पोर्शन है। इंदौर खरगोन में ही एक जगह है ऊन में जैन मंदिर है, पावागिरी के नाम से, सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला ज़िला भी है। एक और ख़ास बात खरगोन की, यहाँ संत सिंगा जी का मेला लगता है, जो संत निमाड़ के सिंगा जी और उनके जो हैं भतीजे थे कालू जी, तो दोनों सिंगा जी और कालू जी का मेला कहाँ पर है, खरगोन में है। कपास होती भी है सबसे ज़्यादा, और साथ ही कपास अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर भी यहाँ है। चलिए अब अगला ज़िला हम इंदौर संभाग का देखें, धार। ये एक बार पूछा गया कि फड़के स्टूडियो कहाँ है, तो फड़के स्टूडियो जो है वो धार में है, ठीक है, और धार को मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। राजा भोज जो परमार वंश के हैं उनकी नगरी रही है, उनकी राजधानी थी मांडू, जो धार में है। भोजशाला है यहीं,
वहीं उन्होंने सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, जिनको सरस्वती देवी मतलब वाघ देवी कहा जाता है। धार में ही बाघ की गुफाएं हैं। मांडू जो राजा भोज की राजधानी थी और अब वर्तमान में प्रमुख दर्शनीय स्थल है, याद रखिएगा, वहाँ जहाज महल, हिंडोला महल जैसी इमारतें हैं और सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। धार में ही एक स्थान है पीथमपुर, जो आता धार डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन इंदौर से नज़दीक है, तो ये भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। यहाँ पर जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ पूरी जो है है पीथमपुर में, और यहाँ पर सेज भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनते हैं, जहाँ पर निर्यात मूलक इकाइयाँ जो हैं स्थापित हैं, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। ठीक है, तो पीथमपुर भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। धार के किले की बात करें तो इसका निर्माण कराया था तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने। एमपी के इतिहास में एक खास चीज़ है कि ये पूछता है कि 1857 की क्रांति में ये धार में एक जगह है अमझेरा, वहाँ किसने पार्टिसिपेशन किया था इसने क्रांतिकारियों की ओर से, तो क्रांतिकारियों की ओर से राजा बख्तावर सिंह ने भाग लिया था। धार की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म पार्क, डायनासोर फासिल पार्क जो है बनाया गया है। जनजाति एसटी पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। जब हम टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो धार आएगा, और प्रतिशत की दृष्टि से करेंगे एसटी पॉपुलेशन की तो अलीराजपुर। ज्ञानदूत परियोजना जो शिक्षा के क्षेत्र की है, ये धार से ही शुरू हुई थी। ये एक्चुअल में डॉक्टर राजेश राजोरा जो इस समय एडिशनल प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा शुरू की गई थी। जब धार में कलेक्टर थे तब इन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ किया था। अब झाबुआ की बात करें तो झाबुआ भी आदिवासी बहुल जिला है। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में है। झाबुआ में कुछ खनिजों की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा संपन्न है। रॉक फॉस्फेट है, यहाँ डोलोमाइट है। कड़कनाथ मुर्गा बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ, जिसके पंख हैं, ब्लड हैं, सब जो है वो ब्लैक होते हैं। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ये। इसके जो है जो इसमें फैट मिलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, और ये जीआई टैग जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको मिला हुआ है। साथ ही झाबुआ में भील बाहुल्य क्षेत्र है, और भीलों का एक भगोरिया हार्ट जो उनका है, ये भी पूछा है कि भगोरिया हार्ट किस जनजाति का है, तो भीलों का है, झाबुआ में होता है। और चूँकि भील यहाँ ज़्यादा हैं, तो भीलों की विश्व की पहली फिल्म जो फैसला उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। झाबुआ का एक नगर है मेघनगर, जो एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें बड़वानी की, तो बड़वानी चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल काफ़ी मात्रा में होता भी है। 52 गजा यहाँ तीर्थ स्थल है, जिसमें आदिनाथ की 52 गज की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है एक भीमा नायक, उनकी जन्मस्थली भी बड़वानी है, याद रखना चाहिए आपको। अलीराजपुर की बात करें तो भाभरा जो है तहसील, वो जिसका आजकल नाम क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वो अलीराजपुर में है, क्योंकि वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे, ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, इसकी साक्षरता बहुत कम है, 36% है। आम की एक विशेष प्रजाति है नूर जहाँ, वो यहीं की है, जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो नूर जहाँ क्या है पता होना चाहिए, आम की प्रजाति है जो कि अलीराजपुर में मिलती है। महुआ उत्पादन में भी इसका प्रथम स्थान है। और अनुसूचित जाति मतलब एसटी पॉपुलेशन की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो जिला है या प्रथम जिला है अलीराजपुर है परसेंटेज बेस पे, और टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो धार हो जाएगा। साक्षरता में न्यूनतम है, देख ही लिया हमने, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि भारत में। इसकी एक जगह है कट्टीवाड़ा, उसको चूँकि थोड़ा हिली है और ठंडा स्थान है, इसलिए मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। ये अलीराजपुर से रिलेटेड कुछ बात हुई। अब हम बात करें, आदिवासी खेल विद्यालय भी है यहाँ। खंडवा की बात करें, जिसको हम पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, अभी हमने ऊपर ही चर्चा कर लिया था, ये क्या है, कपास उत्पादन के लिए है। खंडवा, खरगोन, निमाड़ का पूरा क्षेत्र, मतलब खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, तो कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। खंडवा में जो ओमकारेश्वर है, मंधाता, ओमकारेश्वर वहाँ मंधाता का मंदिर है, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसको ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। फिल्म अभिनेता अशोक कुमार और किशोर कुमार जो गायक हैं, उनकी जन्मस्थली रहा है खंडवा। यहाँ पर इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी में, पुनासा नाम के स्थान पे, जो दादाजी धोनी वाले हैं उनका दरबार यहीं लगता है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित किया गया है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो
कवि हैं और साथ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, और सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी कर्मस्थली रहा है खंडवा। सिंगा जी की समाधि है, सिंगा जी का मेला हमने देखा था, खरगोन में लगता है सिंगा जी और कालू जी का। सिंगा जी और कालू जी की समाधि कहाँ है? खंडवा में है। ये अभी इंदौर संभाग के ज़िलों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। गांजा उत्पादक जिला है खंडवा, ये भी याद रखना है। और देश का जो पहला जल सत्याग्रह हुआ था वो खंडवा के ही घोघला गांव में हुआ था, जहाँ जो है वहाँ के पुरुष और महिलाएं जो है नदी में खड़े होकर, पानी के बीच में खड़े होकर सत्याग्रह उन्होंने किया था। बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ का किला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असीरगढ़ को वैसे भी दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और बुरहानपुर का जो नाम है बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर खूनी भंडारा है। खूनी भंडारा कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है, बल्कि वहाँ की जल व्यवस्था है, जो कि अंडरग्राउंड जल व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, वो खूनी भंडारा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो नेपानगर है वो आप सब जानते हैं कि अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना है नेपानगर में, ठीक है। और नेपानगर में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से होती है, और प्रदेश का पहला जो ताप विद्युत केंद्र था वो चांदनी ताप विद्युत केंद्र ही था। साथ ही अकबर की अंतिम विजय है, अकबर ने जो की अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़ की किला ही है। जब मुमताज की मृत्यु हुई थी तो बुरहानपुर में ही वहाँ दफनाए थे, बाद में फिर कब्र कहाँ ले गए? आगरा, जो आज ताजमहल के रूप में है वहाँ उनकी कब्र। और यहाँ एक और खास बात बुरहानपुर की कि एकमात्र प्रदेश का जो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है वो भी बुरहानपुर में है। ये हुआ इंदौर संभाग की जानकारी। अब हम देखें उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग में उज्जैन ज़िले की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, पुराना नाम अवंतिका या उज्जैनी। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमने देख लिया ओंकारेश्वर में, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग महाकाल, ईश्वर ज्योतिर्लिंग है महाकाल। और इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि दक्षिण मुखी, एकमात्र दक्षिण 12 में से एकमात्र ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। छिपरा नदी उज्जैन के किनारे है, मतलब उज्जैन छिपरा नदी के किनारे है। कुंभ का मेला लगता है 12 साल में एक बार। सवाई राजा जयसिंह ने जो पूरे देश में 5 जगह जंतर मंतर बनाई थी, वेदशाला, वो यहाँ पर भी है। भ्रतहरी की गुफाएँ हैं यहाँ पर, ये वही भ्रतहरी हैं जो पहले राजा थे, बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया और इनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने राज्य संभाला था। इन्होंने लिखा भी था 3 काव्य, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैरागी शतक, ठीक है। भ्रतहरी की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। कैथा की बात करें, ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, पुरातात्विक के समय की बात करें हम तो कैथा याद रखिएगा। मंगल ग्रह से की उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर है। और क्या क्या स्थल हैं उज्जैन में मुख्य? तो संदीपनी आश्रम है, जहाँ कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। इंदौर में नॉलेज सिटी, नॉलेज हब के रूप में स्थापित किया गया है। साथ में यहाँ मंगलनाथ को जो मंदिर है उसको पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, ठीक है। अब आगर मालवा की बात करें तो आगर मालवा का एक गाँव है सलरिया गाँव, यहाँ पर प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य बनाया गया है। अब जो जनसंख्या की दृष्टि से इन्होंने सबसे छोटा ज़िला लिखा है, ये अकॉर्डिंग टू 2011 है। बट यदि क्योंकि जब अभी आपको पता है कि सबसे छोटा ज़िला चाहे वो पॉपुलेशन के बेस पे हो चाहे एरिया के बेस पे हो, निवाड़ी है। तो लेकिन चूँकि 11 में तो जब 2011 की जनगणना हुई थी तब निवाड़ी था नहीं, तो आपको ये अलग मिलेगा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो ये आगर मालवा मिलेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो दतिया मिलेगा। बट यदि आपको निवाड़ी अब आता है तो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हो गया। 4 जो है लाख लगभग जनसंख्या निवाड़ी की, और जो एरिया है वो 1306 वर्ग किलोमीटर है लगभग। साजापुर की बात करें तो साजापुर किले का निर्माण जो है वो राणोजी सिंधिया ने कराया था, और यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र है बहुत प्रमुख मक्सी के नाम से, ठीक है। अब हम बात करें रतलाम की, तो रतलाम में एक जगह है हुसैन टेकरी, ये जावरा तहसील में आती है रतलाम में, वो लाइलाज बीमारियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। स्थापना की बात करें तो कैप्टन बोर्थविक ने की थी। रतलाम सेब के लिए प्रसिद्ध है, ये एप्पल नहीं बल्कि जो नमकीन है ना सेब, सेब की नगरी कहा जाता है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, और जो सैलाना जो जगह है वहाँ पे कैक्टस गार्डन भी है। साथ में आपको ये भी पता है कि सैलाना में पक्षी अभयारण्य भी है, खरमोर। मंदसौर की बात करें, मंदसौर का पुराना नाम दसपुर था,
अफीम नगरी है, सबसे ज़्यादा अफीम होता था। चूँकि रावण के ससुराल होने के कारण मंदसौर में क्या है, रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर की रावण की पत्नी जो है मंदोदरी, उसका जन्म स्थान माना गया है, इसलिए रावण को यहाँ का ससुराल मानी गई और वहाँ पूजा होती है। हिंगलाजगढ़ का किला है यहाँ पर। मध्य प्रदेश की पहली जो जल विद्युत परियोजना है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर यहीं है। जबकि ताप विद्युत केंद्र की बात पहले करते हैं तो कौन सा आता है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, अभी जिसपे ऊपर चर्चा हुई। मंदसौर में शिवना नदी के तट पे, मंदसौर किस नदी के तट पे है, तो शिवना नदी पे तट पे है। वहाँ पे क्या है, पशुपतिनाथ शिवलिंग है, मंदिर है। उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान का प्रवेश द्वार है, सिंह द्वार है, मालवा का सिंह द्वार है, राजस्थान का सीमांत प्रहरी है। नीमच की बात करें तो जब 1857 की क्रांति हुई थी वो नीमच की छावनी से शुरू हुई थी। जैसे आपको पता है इंडिया में मेरठ से शुरू हुआ था, वैसे मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ था, नीमच से। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है यहाँ पर। एक नाटककार हैं जो यहाँ के मध्य प्रदेश के, बाबा डीके, उन्होंने यहीं से नाटक की शुरुआत की थी अकाल तांडव के नाम से। अफीम उत्पादन यहाँ भी होता है। यहाँ पे जो धांतला गांव है वहाँ पे जो सबसे पहले ग्राम न्यायालय शुरू हुआ था 2001 में, यहीं से शुरू हुआ था। अठाना नंदन प्रिंट के लिए मैं यहाँ, इसकी जगह एक अठाना नीमच की, जो कि नंदन प्रिंट के लिए मशहूर है। देवास की बात करें तो ये कलाओं का घर है, इस ज़िले को कहा जाता है। और सर्वाधिक जो जाम, जो पवन चक्कियाँ हैं विंड सिनर्जी वाला, वो यहाँ एक जगह है देवास में, जाम गोदरानी वहाँ पर है सर्वाधिक विंड वाली पवन चक्कियाँ। देवास में जो बैंक प्रेस नोट कारखाना, याद रखिएगा, बैंक छापने वाला कारखाना जो 1969 में शुरू हुआ था। देवास को पहला बायोडीजल जिला भी घोषित किया गया है, और साथ में लेदर कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ, याद रखिएगा आप, जैसे एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर है, ठीक है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर है, ऐसे लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, देवास में है। अब अगला ज़िला हम बात करें तो अभी देवास का ही कंटिन्यू चल रहा है। और क्या है देवास में, कुमार गंधर्व जो है एक संगीतकार हैं, उनकी साधना संगीत स्थली रही है। देवास में ही चामुंडा माता और तुलजा भवानी का प्राचीन मंदिर है। उज्जैन संभाग के बाद अब ग्वालियर संभाग पे बात करें तो ग्वालियर का पुराना नाम है गोपांचल। अब ग्वालियर में, ग्वालियर के किले के प्रमुख जो स्थल कौन कौन से हैं, सासभाव का मंदिर, तानसेन का मकबरा, तानसेन की नगरी कहा जाता है, तेली का मंदिर भी है जो द्रविड़ शैली में बना है, उत्तर भारत में है, यहाँ मध्य प्रदेश में है लेकिन किस शैली में बना है, द्रविड़ शैली में बना है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियों के बारे में आप जानते होंगे, नागर शैली, भेसा शैली है ना, और द्रविड़ शैली। मध्य प्रदेश राजस्व मुख्यालय है, राजस्व का जो मुख्यालय है, महालेखाकारी जी ऑफिस है, वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। मतलब जो ग्वालियर में दो चीज़ें हैं, एक तो जी ऑफिस भी है, महालेखाकार कार्यालय, और दूसरा रेवेन्यू बोर्ड जिसको राजस्व मुख्यालय बोलते हैं, ठीक है। जैसे कलेक्टर की किसी मामले की अपील होनी होती है तो कमिश्नर को होती है रेवेन्यू मामले में, वहाँ की अपील होनी होती है तो किसको कर सकते हैं, रेवेन्यू बोर्ड, तो रेवेन्यू बोर्ड भी ग्वालियर में है। गास मोहम्मद का मकबरा जो है ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है साथ ही ग्वालियर में। और क्या है, राजा मानसिंह तोमर के नाम से संगीत और कला विश्वविद्यालय है। एशिया का जो पहला शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र खुला था वो भी ग्वालियर में, लक्ष्मीबाई के नाम से 1957 में खुला था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी यहाँ बन गई है, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जबलपुर की, फिर ग्वालियर में बन गई, ठीक है। तो विजय राजे सिंधिया के नाम से है, विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ग्वालियर के किले का निर्माण करा था राजा सूरज सेन ने, और ग्वालियर का किला किलों का रत्न कहलाता है, जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहलाता है, बहुत मजबूत किला था। आबकारी विभाग का हेडक्वार्टर भी है मध्य प्रदेश का ग्वालियर में ही। सोन चिड़िया के लिए जो है ग्वालियर का घाटी गांव, अब जो ग्वालियर में घाटी गांव अभयारण्य है वो सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। सोन चिड़िया के लिए 2 अभयारण्य हैं, करेरा जो शिवपुरी में है, और घाटी गांव, ये केजी लिखा हुआ, करेरा शिवपुरी में है और घाटी गांव ग्वालियर में है। फिर और क्या खास बात है, ये चर्चा हो चुकी है, तेली का मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना है जो कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। गुना की बात करें तो गुना में, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना है। साथ ही गुना में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र है। मालवा चंबल का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन गई है वो है। और यहाँ तेजा जी का मेला लगता है गुना में। अशोक नगर की बात करें तो अशोक नगर में जो प्रदेश की पहली खुली जेल है मुंगावली, वो अशोक नगर में है। यहाँ एक जगह है चंदेरी, जो दो, एक तो चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, GI टैग भी मिला हुआ है यहाँ की साड़ियों को। और
मखमल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। शिवपुरी की बात करें तो शिव की नगरी है, इसलिए शिवपुरी कहा गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो तात्या टोपे हैं उनको फांसी यहीं दी गई थी, इसलिए उनका स्मारक यहीं है। प्रदेश का जो पहला सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज बना था अमोल पाटा में, वो भी शिवपुरी में है। शिवपुरी के एक्चुअल में पर्यटक नगरी कहा जाता है, प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी फर्स्ट शिवपुरी में। सांख्याराज सिंधिया की छत्रियाँ हैं। कत्था का कारखाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा जिला है। क्षेत्रफल में पहला जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा, 11,815 स्क्वायर किलोमीटर। फिर शिवपुरी और थर्ड रैंक सागर का। सागर और शिवपुरी के एरिया में बहुत मामूली सा फ़र्क है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, इससे नेशनल पार्क होके के बीच में गया था, वो शिवपुरी में ही है। ठीक है, सोन चिड़िया के लिए हमने देख लिया केजी वाला करेरा, और तो करेरा अभयारण्य सेंचुरी यहाँ पर है। न्यूनतम टेम्परेचर जो है शिवपुरी में ही रिकॉर्ड किया गया है। अब दतिया की बात करें तो दतिया प्रदेश की पहली नगर पालिका है। दतिया का प्राचीन पुराना नाम दिलीप नगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसने लिखा सबसे छोटा जिला 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। वर्तमान में क्या हो गया है? निवाड़ी, याद रखिएगा, 1306 वर्ग किलोमीटर मात्र। दतिया में ही पीताम्बरा देवी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। लघु वृंदावन कहा जाता है दतिया को। दतिया में बेतवा नदी पर क्या है? माता टीला बांध, राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। रतनगढ़, उसमें माता जी का मंदिर है। यहाँ सोनागिरी, याद रखिएगा, जैन तीर्थस्थल दतिया में है। दतिया के किला भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ के दरवाजे पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है। दतिया में अशोक कालीन एक शिलालेख मिला है। दतिया में एक जगह है गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख आपने बहुत सुना होगा, जो कि ब्राह्मी लिपि में है। दतिया में जो तहसील है भांडेर, वहाँ प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह है। दतिया में ही पीताम्बरा शक्तिपीठ है। अब चंबल संभाग की बात करें, चंबल संभाग में पहला नाम है मुरैना, मुरैना जिला। मोर पक्षी की अधिकता के कारण मुरैना नाम पड़ा। देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना में है। ये बना था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में, जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, बाद में फांसी भी हुई थी इन्हें उस घटना को लेकर। मुरैना जिला जो है लिंगानुपात सेक्स रेशियो में दूसरा जो है जिला है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? भिंड में 837/37 और 838/39 लगभग, मुरैना में उससे एक ज़्यादा। तो मिनिमम कहाँ का हुआ? भिंड का, इसके बाद मुरैना का। सरसों का काफ़ी उत्पादन होता है यहाँ, बंदूकों के लिए, ट्रैक्टर के लिए जाना जाता है। वैसे जो है आपको पता है कि जो है ये जो चंबल के बीहड़ हैं उनके लिए स्थान है, तो काफ़ी उपद्रवी क्षेत्र है। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ शांति स्थापित हो गई है काफ़ी हद तक। चंबल के बीहड़ अभी भी जो हैं बने हुए हैं खतरनाक। फिर घड़ियाल की बात करें तो यहाँ पे घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ठीक है, मुरैना की गजक भी देश भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन है उसके लिए भी ये जिला जाना जाता है। भिंड की बात करें तो बागियों का गढ़ है। चंबल की अभी बात हुई थी कि जो चंबल के बीहड़ हैं डकैत समस्या के लिए जाने जाते हैं। लिंगानुपात सबसे कम भिंड का है, 937 नहीं है। सबसे कम वर्षा वाला जिला है, यहाँ वर्षा बहुत कम है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान है। एसटी पॉपुलेशन भिंड में बहुत कम है, 0.4, मतलब प्रदेश में सबसे कम यदि किसी जिले में एसटी पॉपुलेशन है तो भिंड है। रौन तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है। चावल की काली मूछ का उत्पादन यहाँ होता है। रावतपुरा सरकार जो स्थल है वो भिंड में ही है। सरसों का भी उत्पादन होता है। श्योपुर जो बाद में अलग होकर जिला बना, अपनी कास्ट कला लकड़ी की कला के लिए है। श्योपुर जिले का पालपुर कूनो अभयारण्य बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ एशियाई शेरों के लाने की बात की गई थी। अभी अफ्रीका से भी यहाँ शेर, नामीबिया से भी शेर ला जाने की जो है, चीता ला जाने की बात हुई है। मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है श्योपुर। अब भोपाल संभाग की बात करें, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, पता ही आपको। इसकी खास बात एक बार पीएससी में आ चुका है, 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन आया था, भोपाल कितनी पहाड़ियों पर? 7, 5, 4, तो 7 पहाड़ियों पर बसा है। भोपाल झीलों और पहाड़ों का शहर कहलाता है। सबसे ज़्यादा जो है जनघनत्व तो है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो लिमिटेड BHEL भोपाल, जो 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। आपदा प्रबंधन संस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भोपाल में है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में है। लेकिन बट जो है अभी जो चर्चा चली थी जो रीवा के गुड़ में है, वो उससे भी बड़ा बन गया है अब। ठीक है,
माइक्रो लेवल का जो है बना हुआ है। फिर भारत भवन है यहाँ पे, 1982 में स्थापित हुआ था, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे भारत भवन के। ताजुल मस्जिद है जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। एम्स है यहाँ पे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, 1985 में स्थापित हुआ था। साथ ही दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी भोपाल में है। और कौन कौन से भवन देखें जी, जिनके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, तो इंदिरा गांधी भवन है, विधानसभा भवन, भारत भवन, पर्यावास भवन, IIFM भवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सीहोर की बात करें तो सीहोर में एक जगह है बुधनी, जहाँ रेलवे स्लीपर का कारखाना है। देश का जो पहला आवासीय खेल विद्यालय वो सीहोर में ही बना था। बरलोई है जहाँ शक्कर का पहला कारखाना खुला था, सबसे बड़ा कारखाना है। फिर रायसेन की बात करें तो रायसेन तो पर्यटक की दृष्टि से और जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर है सांची, सांची के स्तूप प्रसिद्ध हैं। साथ ही क्या है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो यहीं हैं। भोजपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसी जिले के अंतर्गत आता है। मंडीदीप यहीं है जहाँ प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना बना था। वन्य जीव की दृष्टि से देखें तो रातापानी टाइगर रिजर्व यहाँ है। औद्योगिक केंद्र देखें तो मंडीदीप यहाँ है। ग्रेफाइट की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहीं है। मृगेंद्रनाथ जो अभी नवीनतम गुफाएं खोजी गई हैं पाटनी में, वो इसी ज़िले में आती हैं। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ ऐसा ज़िला है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब मानव विकास पर प्रतिवेदन देने वाला पहला ज़िला है ये। राजगढ़ का एक जगह है तहसील नरसिंहगढ़, जिसको कश्मीर मालवा कहा जाता है। एक और शहर है यहाँ का ब्यावरा, जो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहलाता है। किन्नौरगढ़ भी यहाँ का फेमस है, जहाँ के तोते बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेजर्ट एरिया राजगढ़ में ज़्यादा है, रेगिस्तान यहीं पे है। विदिशा की बात करें तो पुराना नाम क्या था, भेलसा या बेसनगर। और सबसे ज़्यादा चने की पैदावार जो है विदिशा में होती है। फिर यहाँ पर आपको याद होगा कि विदिशा में जो भेलसा जगह है, जहाँ जिसको बेसनगर बोलते हैं, वहाँ पर यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिन्होंने भागवत धर्म ज्वाइन करने के बाद क्या किया था, गरुड़ स्तंभ बनवाया था। उदयगिरी की गुफाएं यहाँ प्रसिद्ध हैं विदिशा वाली। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसका विदिशा नाम रखा था 1952 में। ग्यारसपुर की प्राचीन पुरातात्विक स्थल भी यहीं हैं। सम्राट अशोक के नाम अशोक सागर परियोजना, जिसको हलाली परियोजना कहते हैं, वो भी यहीं हैं। जैन तीर्थंकर हैं शीतलनाथ, उनकी जन्मस्थली विदिशा रहा है। विदिशा के बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है संभाग है नर्मदापुरम, होशंगाबाद संभाग। तो होशंगाबाद की बात करें तो सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है इटारसी, वो होशंगाबाद में आता है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है ना, रुपए छापने की जो पेपर बनते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल, वो यहाँ है। रुपए कहाँ छापेंगे, बैंक प्रिंस नोट देवास में। सबसे लंबा नदी पुल है तावा नदी पे। और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी के अभ्रक कारखाने में लगाया जा रहा, अभी बना नहीं है। बट यदि सौर ऊर्जा संयंत्र की बात कई बार आएगी तो आप रीवा के जो गुड़ क्षेत्र में है उसको याद रखिएगा, गुड़ तहसील में, वो तो सर्वाधिक बड़ा है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें बनता है कई बार। सतपुड़ा की रानी जो है पचमढ़ी, वो होशंगाबाद में ही है, हिल स्टेशन है, सभी जानते हैं। फिर दर्शनी इंदिरा पॉइंट पचमढ़ी का है। पचमढ़ी को वैसे भी बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, जो 1350 मीटर ऊंची है, यहीं पर है। सर्वाधिक सिंचित जिला भी है, जैसे डिंडोरी सबसे कम सिंचित है, वैसे होशंगाबाद सर्वाधिक सिंचित है। यहाँ एक सेंचुरी है, बोरी अभयारण्य, बोरी सेंचुरी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी सेंचुरी की खास बात यह है कि यहाँ उच्च क्वालिटी का सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस या टीक मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली जो है माखन नगर, यहीं पर है। बाबई है, बाबई में सब प्रदेश का बड़ा रस्सी फार्म है। टंगस्टन खनिज का जो एस्क है, बुलफार्म, यहीं से मिलता है, अगरिया से। पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ अप्सरा, रजत और डचेस वाटरफॉल है। प्रति हेक्टर गेहूँ के प्रोडक्शन में जो है यह शीर्ष जिला है। बैतूल की बात करें हम तो बैतूल में एक आंवला है, आंवला वायुसेना की छावनी है। साथ ही बैतूल में टिश्यू कल्चर लैब है। मुक्तागिरी जो जैन तीर्थ स्थल है बैतूल में है। बैतूल की घोड़ा डोंगरी जो जगह है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये काफ़ी बार पूछता है, जंगल सत्याग्रह 1930 में घोड़ा डोंगरी में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मुल्ताई नगर, ताप्ती नदी जो मुल्ताई से निकला है बैतूल से ही है।
ग्रेफाइट उत्पादक, ग्रेफाइट का उत्पादन भी बैतूल में होता है। हरदा की बात करें जो होशंगाबाद में है, होशंगाबाद से अलग होके बना हुआ था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ 4 बार आए हरदा, चलिए कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कृषि जोत वाला, मतलब यहाँ जो फील्ड एरिया कृषि के जोत हैं उस काफ़ी बड़े हैं अन्य जिलों के बजाय, इसलिए सर्वाधिक कृषि जोत वाला जिला हो गया। यह एक जगह हरदा का नेमावर, ये नर्मदा नदी के तट पे है और हिंदू और जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर कान्हा बाबा का मेला लगता है यहाँ सोदालपुर में, हरदा में कहाँ है, सोदालपुर जगह है जहाँ कान्हा बाबा का मेला लगता है। अब बात करें जबलपुर संभाग की, तो जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण नाम क्या पड़ा, जबलपुर। संस्कार धानी या संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर अशोक के लघु शिलालेख हैं, जगह का नाम है रूपनाथ, तो रूपनाथ कहाँ है, जबलपुर में, जहाँ अशोक के लघु शिलालेख हैं। नगर निगम, जैसे नगर पालिका सबसे पहले दतिया की, ऐसे ही नगर निगम कहाँ का है, जबलपुर का पहला है। जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान भी है जहाँ जनपद सीईओज की ट्रेनिंग होती है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला है, बरेला गांव में, भी जबलपुर में है। प्रदेश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में है। आम जिले के रूप में घोषित किया गया है, आम मैंगो मतलब फ्रूट की दृष्टि से जो आम होता फल उसके, वो यहाँ घोषित है। त्रिपुरी जो है जबलपुर, त्रिपुरी जो है यहाँ अधिवेशन, त्रिपुरी जबलपुर का एक स्थल है जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे 1939 में। प्रदेश का पहला रत्न परिसंस्करण केंद्र जबलपुर में है। हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है वो यहाँ जबलपुर में है। एकमात्र रेलवे जोन जो अपने यहाँ पे है पमरे पश्चिम मध्य रेलवे, वो जबलपुर में है उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। फिर बात करें नरसिंहपुर की, तो नरसिंहपुर जो है पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त जिला है। बरमान का मेला लगता है यहाँ गाडर वाला एरिया में, और गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है, गन्ना काफ़ी प्रोडक्शन होता है। एक मोहत गांव है जहाँ ऐसा माना जाता है, व्यक्ति संस्कृत में बात करते हैं, किशोर जिला है, ये किशोर जिला बोल रहे हैं, किशोर जो है जेल है यहाँ नरसिंहपुर में। कटनी की बात करें तो चूना नगरी के नाम से जानी जाती है, कैमूर क्षेत्र, ACCC एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी है वहाँ पे, ठीक है। जिसमें पहली बार कोई किन्नर विधायक बनी थी सबनम मौशी, कटनी से ही बनी थी। पान के लिए भी काफ़ी फेमस है, बिलहारी के पान जाने जाते हैं। और कटनी का पुराना नाम मुंडवारा था, आजकल आप देख रहे होंगे कटनी और मुंडवारा अलग अलग पास स्टेशन बने हुए हैं। मंडला की बात करें तो बैगा वाला है, ट्राइबल बेल्ट है पूरा, आदिवासी जनसंख्या है, बैगाचक क्षेत्र है, मतलब बैगा जो है बाहुल्य है, बैगा बाहुल्य क्षेत्र है। साथ ही क्या है, प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है कान्हा किसली, कान्हा नेशनल पार्क 1340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो फैला है, कुछ भाग जिसका बालाघाट में भी है, तो वो मंडला में है, जिसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मोती महल है यहाँ पे, बघेलिन महल है, ठीक है। मंडला में ही चुटका में है परमाणु केंद्र, जो परमाणु संयंत्र बन रहा है चुटका में, मंडला में ही है। रानी अवंतीबाई की समाधि है, बायोडीजल का भी प्रोडक्शन यहाँ होता है। डिंडोरी की बात करें तो मिनिमम जो है इरिगेशन है, मतलब न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है यहाँ पे। बैगा और गोंड जनजातियाँ निवास करते हैं यहाँ। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो प्रदेश में सबसे कम है, दी है तो डिंडोरी जिले का है। जीवाश्म वाला राष्ट्रीय उद्यान है, घुघवा नेशनल पार्क फासिल वाला। शाहपुर जो क्षेत्र है इसका, शाहपुरा वो कोयला बेल्ट है। बालाघाट की बात करें तो मैग्नीज नगरी है, लिंगानुपात मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा 1021। मलाजखंड क्षेत्र जो है इसका तांबा का भंडार है। किरनापुर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है। लांजी जो है वो नक्सलवादी समस्या से थोड़ा पीड़ित क्षेत्र है, तहसील। वन राज्यिक महाविद्यालय जहाँ फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग होती है बालाघाट में है, एकमात्र जो है रेंजर की ट्रेनिंग वाला कॉलेज है यहाँ पे। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में है, फिर सिवनी, तो दो तालाबों से सिंचाई की बात आएगी तो बालाघाट और सिवनी देखेंगे आप। मैगनीज का प्रोडक्शन भी बालाघाट में होता है। इसकी यदि मैप पे यदि आप नज़र डालें बालाघाट की जिले के, तो उड़ते हुए पक्षी जैसा दिखेगा। गांगुल पारा वाटरफॉल है यहाँ, जलप्रपात है। धान चावल की खेती बहुत होती है वहाँ के, धान चावल बहुत प्रसिद्ध हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो क्षेत्रफल में दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, 11,815 स्क्वायर किलोमीटर। देश का पहला मसाला पार्क यहाँ स्थापित किया गया, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। आदिवासी कला संग्रहालय है जो बादल भुई संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पातालकोट है जो काफ़ी थोड़ा निचले स्थल है, गहराई में स्थित है, जहाँ पर
भारिया जनजाति, भारिया ट्राइब निवास करती है। पांडुना तरफ जाएं तो यहाँ गोटमार मेला प्रसिद्ध है पांडुने का। फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसको मोगली लैंड के रूप में विकसित किया गया, उसकी सीमा छिंदवाड़ा, सिवनी और कुछ भाग महाराष्ट्र में आता है। यहाँ पर फॉरेस्ट का वन अनुसंधान केंद्र है, सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, वन के अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रिसर्च सेंटर वो छिंदवाड़ा में है। यहाँ भारत सरकार में के दो ही जो है रिसर्च सेंटर जब मध्य प्रदेश में है, एक छिंदवाड़ा और दूसरा जबलपुर में, TFRI ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टेट लेवल की बात करें तो SFRI है, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्वालीपाथर जबलपुर। तो जबलपुर में सेंट्रल और स्टेट दोनों के हो गए और छिंदवाड़ा में सेंट्रल का हो गया। बादल भव्य आदिवासी म्यूजियम की बात हो गई। अब सिवनी की बात करें, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है। पेंच नेशनल पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा जो मिट्टी का बांध है भीमगढ़ छपारा तहसील में आता है, बैनगंगा नदी पे वो यहाँ पर है। बैनगंगा का उद्गम स्थल भी छपारा के पास में है, मुंदारा नाम की जगह है। काली मूछ का चावल और मावा बाटी के लिए प्रसिद्ध है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात हो ही चुकी है। शहडोल संभाग की बात करें तो शहडोल जिले की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ी कोयला जो खदान है वो सुहागपुर जो है, सुहागपुर में, एक्चुअल में शहडोल जिले को ही जो मुख्यालय कहलाता है वो सुहागपुर के नाम से जाना जाता है, एक ही है वो। यूरेनियम का उत्पादन करने वाला, जहाँ यूरेनियम पाया जाता हो, ऐसा एकमात्र जिला है। कोयला कोलांचल पूरा क्षेत्र है ये। ठीक है, रिलायंस ग्रुप ने यहाँ पे कोल बेड मीथेन पे भी काम किया है, यहाँ मीथेन गैस संयंत्र भी बनाया हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी कोल्ड फील्ड जो है उस सुहागपुर में है, शहडोल में। एक जगह है यहाँ देवलूंद, जहाँ सोन नदी पे बाण सागर बहुद्देशीय बांध बनाया गया है। अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर 2003 में जिला बना, और जो एशिया का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो बनी है, जिसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहा गया, वो अनूपपुर में ही अमरकंटक में आता है, 2008 में स्थापित हुआ था। अमरकंटक में जहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, वहीं क्या है, नर्मदा, वहाँ से तीन नदियाँ भी निकली हैं अमरकंटक से, सोन, नर्मदा और जोहिला, तीनों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र भी है और ग्रामीण प्रशिक्षण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान भी है वहाँ पर। उमरिया की बात करें तो सर्वाधिक लाख उत्पादन करने वाला ये जिला है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जहाँ पे शेरों की संख्या सबसे ज़्यादा 8 किलोमीटर पे एक बाघ मिल जाता है, जनरली माना जाता है। एक ग्राम एक सरोवर परियोजना यहाँ से शुरू की गई थी और लाख उत्पादन में सबसे आगे है। तो लाख का जो है याद ही रखिएगा कि सरकारी कारखाना भी है। रीवा संभाग की बात करें, सफ़ेद शेरों की भूमि कहलाती है रीवा। रीवा में सुपारी के खिलौने भी बनते हैं। आपको याद होगा तन्ना मिश्रा, जिनका नाम था तानसेन, वो राजा रामचंद्र के दरबार में थे पहले, बाद में फिर अकबर के दरबार में गए। प्रदेश का एकमात्र जो सैनिक स्कूल है वो रीवा में ही है। चचाई जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, ये भी रीवा में है, याद रखिएगा। अगला जिले की बात करें तो रीवा में ही कुछ और है। रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। त्योंथर जो यहाँ का तहसील है वो पुरातात्विक स्थल है। रीवा में जिप्सम पाया जाता है। एक और ख़ास बात, यहाँ ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है और आम अनुसंधान केंद्र रीवा में ही गोविंदगढ़ में है। सतना की बात करें तो यहाँ अशोककालीन स्तूप है, अशोक ने जो बनवाया था, भरहुत स्तूप, जिसको कर निगम ने खोजा था, भरहुत स्तूप। रामबन है, वहाँ पे तुलसी संग्रहालय है। चित्रकूट और मैहर दर्शनीय स्थल है यहाँ के। चित्रकूट में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जो 1991 में स्थापित हुआ था। मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है। अलाउद्दीन खास संगीत अकादमी है। चित्रकूट में तुलसी शोध संस्थान है। सीधी की बात करें तो सीधी में नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय है। साथ ही सीधी में सोन नदी में घड़ियालों के संरक्षण के लिए बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। संजय गांधी जो है प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जो है सीधी सिंगरौली में मिक्सअप करके नेशनल पार्क है। कोरंडम खनिज यहाँ मिलता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी है। NTPC का यहाँ ताप विद्युत केंद्र है, साथ में प्राइवेट ताप जो है ताप विद्युत केंद्र भी कुछ SR के बनाए गए हैं। सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ है, बैढ़न में, ऊर्जा राजधानी कहलाता है। मारा की गुफाएं हैं यहाँ पर। सागर संभाग की बात करें तो सागर जिले को भारत का हृदय कहते हैं। सती प्रथा का जो प्राचीनतम साक्ष्य वाला अभिलेख है, अरण अभिलेख, वो सागर से मिला है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो डॉक्टर हर सिंह गौर विश्वविद्यालय है, और
साथ ही पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है मध्य प्रदेश के इसको, तो ये भी यहीं है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी जहाँ पर सब इंस्पेक्टर और DSP की ट्रेनिंग कराई जाती है सागर में है। नापतौल प्रशिक्षण केंद्र सागर में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, जैसे हमको पता है अगर वो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, ऐसे यहाँ स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है। यहाँ बीना है, एक तहसील बीना में कीटनाशक संयंत्र बनाया का कारखाना है। बीना में आगासोद में जो है रिफाइनरी है जो ओमान के सहयोग से बनी है। नौरा देही सेंचुरी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी है। मंगलगिरी तीर्थस्थल भी है। दहमोनी यहाँ जगह है जहाँ उर्स लगता है, प्रसिद्ध है। चलिए स्वान जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की बात है जो इंटरनेट की, वो यहीं से शुरुआत हुई थी प्रदेश में। दमोह की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक है यहाँ। पीतल की नगरी कहा जाता है, डायमंड सीमेंट का कारखाना है। कुंडलपुर है यहाँ पे जो जैन तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बांदकपुर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कांसा पीतल के बर्तन का भी सेंटर है ये। पन्ना की बात करें तो पन्ना का नाम जैसे ही आएगा हीरा होता है, इसलिए हीरा जिले के नाम से प्रसिद्ध है। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन, वो हीरा का उत्खनन कराता है। पन्ना को जहाँ एक और हीरा जिला है वहीं आंवला जिला के रूप में भी घोषित किया गया है। यहाँ गंगऊ जो है वहाँ सेंचुरी है जहाँ पे जंगली भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है। अजयगढ़ यहाँ की तहसील है, काफ़ी बड़ी है प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी तहसील है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक हीरा का भंडार पन्ना में है। रेप्टाइल पार्क भी यहाँ है। अब हम बात करें छतरपुर की, तो राजा छत्रसाल के नाम पर छतरपुर नाम पड़ा। प्राचीन काल में छतरपुर का नाम क्या था? जजाक भुक्ति। और चंदेलों ने छतरपुर जिले के अंतर्गत जो खजुराहो है वहाँ मंदिर बनाए। खजुराहो को वैसे भी 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह भी खजुराहो में होता है। अब बात करें टीकमगढ़ की, तो भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ से शुरू हुई। टीकमगढ़ में सर्वाधिक तालाब भी हैं। ओरछा है टीकमगढ़ में, तो रामायण संग्रहालय है यहाँ पर। अब ओरछा हालांकि निवाड़ी में आ गया है, अब टीकमगढ़ को भी अलग करके जो प्रदेश का नवीनतम 52वां जिला बना गया है निवाड़ी, तो निवाड़ी में याद रखिएगा ओरछा जहाँ रामायण संग्रहालय प्रमुख दर्शनीय स्थल है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे जिनका जन्म भाबरा में हुआ था अलीराजपुर में वहाँ, लेकिन इन्होंने भूमिगत रह के कुछ समय यहाँ पर बिताया था। हरदौल की मनौती यहीं मानी जाती है, ठीक है। टीकमगढ़ जो है बुंदोलों की सौर स्थली के रूप में जाना जाता है और इससे कट के बना हुआ जो नवीनतम जिला है वो है निवाड़ी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों पे संक्षिप्त चर्चा किया। अगले 4-5 वीडियो चार्ट्स पे और आएंगे, वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आप 5-6 वीडियो ये चार्ट्स वाले देख लेंगे तो मध्य प्रदेश का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नवीनतम करंट अफेयर्स से संबंधित एक वीडियो भी इसी के बाद अपलोड किया जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।